इस बार जो बीबीएन के जो लिकर वेंट्स की ऑक्शन हुई है उसमें रिजर्व प्राइस हमारा 126.39 करोड़ था और उसके अगेंस्ट जो बोली लगी उसमें 143.37 करोड़ की बोली लगी, जिसके हिसाब से लगभग 17 करोड़ का इसमें एनहांसमेंट मिला है और जो 13.43% का इजाफा है रिजर्व प्राइस से। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छे हमारी बोली रही और इसमें बीबीएन में काफ़ी इंक्रीज मिला है इस बार। उसके लिए तो इस बार पॉलिसी में भी काफ़ी प्रोविजन किए गए कि ताकि पड़ोस के राज्यों से शराब हिमाचल में अवैध रूप से ना आए, और इसके साथ साथ जो पुलिस विभाग है, एक्साइज विभाग है, ये सब इसके लिए कार्य करते रहते हैं और स्थानीय जनता से भी हम अनुरोध करते हैं कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति स्लिप पाए जाते हैं तो उनकी शिकायत हमें जरूर करें। अगर समय रहते कोई बता दे कि कहीं विरोध है किसी महिला मंडल का या ग्रामीणों का तो उसको विभाग शिफ्ट करता है, समय समय पर शिफ्ट कर देता है। जब अलॉटमेंट होती है थोड़ा उसके बाद शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर समय रहते या ऑक्शन से पहले बता दे तो उन वेंट्स को हम लोग शिफ्ट कराते हैं। वो तो हर साल आपको पता है मार्च के महीने में हर साल ऑक्शन होती है, वो तो हर साल आगे से ख्याल रखेंगे कि इस तरह के कोई भी अगर प्रस्ताव आता है तो उसपे ग्राम पंचायत की तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर जरूर हम विचार करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।